सो हाय गाइस, मेरा नाम है रीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज बाहरी। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट डाउट कि स्टूडेंट वीज़ा वाले अभी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कि अपॉइंटमेंट में क्या इशू चल रहा है, कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और थर्ड कि नेपाली, बांग्लादेशी या अदर जो नेशनल्स हैं वो इंडिया के किस किस VFS सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बनना है वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस मेरे माइंड में भी ये सारे डाउट्स थे, तो गाइस मैंने सोचा कि मैं VFS सेंटर के जो उनके कस्टमर सपोर्ट नंबर है उस पर कॉल करके ही क्यों ना पता कर लूँ। तो गाइस मैंने उनसे तीन सवाल किए। गाइस मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि माल्टा का जो भी VFS ओपन हुआ इंडिया में, उसमें वर्क वीज़ा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा वाले भी एप्लीकेशन अपनी फाइल लगा सकते हैं। तो गाइस ये सुनिए आप मेरा पहला सवाल और उसका जवाब भी आप जरूर सुनिएगा। कॉल करने के लिए मैं राज लक्ष्मी आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग मैम, मैं हरीश बोल रहा हूँ जयपुर से। मैम मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जो अपना ये VFS माल्टा ओपन हुआ इंडिया में, ये वर्क वीजा के साथ स्टूडेंट वीजा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अभी? जी सर, सहायता करेंगे। सर बताना चाहेंगे फिलहाल हाई कमीशन जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वर्क वीजा के लिए, लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है तो उनको हाई कमीशन से कॉन्टेक्ट करना होगा अप्रूवल के लिए। तो गाइस इसके जवाब में उन्होंने, जैसा कि आपने सुना, ये कहा कि आपको हाई कमीशन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनकी अप्रूवल पे हम स्टूडेंट वीज़ा फाइल्स भी ले रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस भी हो सकता है अगर आप हाई कमीशन से कॉन्टैक्ट करते हैं तो। तो गाइस मैंने उनसे अगला क्वेश्चन ये पूछा कि अपॉइंटमेंट का क्या इशू चल रहा है, तो गाइस वो भी आप अब जरूर ध्यान से सुनिएगा। और एक और चैलेंज आ रहा है अभी, अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है बुक नहीं हो पा रहे, ये जनवरी के दिखा रहा है और वो भी बुक नहीं हो पा रहे, तो ये क्या अभी इशू चल रहा है मैम? सर एक्चुअली स्लॉट काफी लिमिटेड पे है सर, क्योंकि हाई कमीशन जो है दिल्ली में वो लिमिटेड एप्लीकेशन से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जिस वजह से स्लॉट लिमिटेड है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने के कारण तुरंत बुक हो जा रहे हैं। हाँ, तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करके रहना होगा। सर डिमांड ज्यादा है, अदर नेशनल्स भी अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, और एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो रहे हैं हाई कमीशन वो लिमिटेड पे है, और जो VFS सेंटर्स ऑपरेशनल हैं वो भी लिमिटेड वर्किंग डेज ही हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली जो है सिर्फ मंडे और थर्सडे के दिन ऑपरेशन, जी जी, तो जिस वजह से काफी दिक्कत हो रही है कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट के लिए। तो अपॉइंटमेंट लेकिन ऑनलाइन बुक करना मैंडेटरी है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं। तो गाइस जैसा कि जवाब इन मोहतरमा ने दिया, गाइस ये जो जवाब है मैं आपको आज से 5 या 6 दिन पहले दे चुका हूँ कि रैंडम टाइम्स पे अगर आप ट्राई करेंगे, जस्ट कीप ट्राइंग, तो हो सकता है अपॉइंटमेंट स्लॉट्स देखने को मिल जाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप ट्राई करते रहिए, आप चेक करते रहिए, हो सकता है आपको स्लॉट्स देखने को मिल जाएँ। इसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग हैं अप्लाई करने वाले और स्लॉट्स बहुत ही कम है, जैसा कि VFS की रिप्रेजेंटेटिव ने ये आंसर दिया। गाइस ये बात मैं आपको 4 से 5 दिन पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन गाइस फिर भी एक ऑफिशियल जो बंदा कहता है उसकी इन्फॉर्मेशन पे हम ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस वही वाली बात है, जस्ट कीप ट्राइंग, अपॉइंटमेंट आपको भी बहुत जल्द यहाँ देखने को मिलेगी। वैसे इसके बाद मैंने इनसे सवाल किया कि जो अभी माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है, जो नेपाली लोग हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो अदर कंट्री नेशनल है, क्या सिर्फ वो दिल्ली के VFS में ही अपनी वीज़ा फाइल लगा सकते हैं? तो गाइस ये सवाल भी मैंने उनसे खुद से पूछा, तो गाइस उन्होंने उसका भी जवाब यहाँ दिया है। ओके मैम, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन था, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड नेपाल से भी हैं, तो उन्हें ऐसा कहा गया कि आप दिल्ली VFS में ही ट्राई कीजिए, तो ऐसा कुछ है कि वो कोचिन वाले में और अदर VFS में ट्राई नहीं कर सकते नेपाल और प्रेजेंटली जब शुरू हुई थी तब अदर नेशनल्स को बोला गया था कि सिर्फ वो दिल्ली से ही आप सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपडेट आ चुकी थी और जो है अभी फिलहाल के लिए अदर नेशनल्स जो है वो किसी भी VFS सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। जो अदर कंट्री नेशनल है, स्टार्टिंग में अपडेट आई थी कि वो लोग दिल्ली VFS में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ जो अपडेट आई है कि आप किसी भी VFS सेंटर में अपनी फाइल लगा सकते हैं अक्रॉस इंडिया। आप नेपाल से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, तो आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ अपॉइंटमेंट की, तो गाइस अपॉइंटमेंट जो है इन रियल यहाँ बुक नहीं हो रहे, काफ़ी स्लॉट फुल दिखा रहा है, नवंबर दिसंबर तक के स्लॉट यहाँ फुल दिखा रहा है, और उसके बाद भी यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पा रही। तो गाइस ये कुछ इशू हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में लाया। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।